नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। तमाम उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए अब वन स्टॉप हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले ताजा अपडेट पहुंचे आपके पास। आपका नाम क्या है? मेरा नाम उत्पल वर्मा है। हम सीबीगंज से आए, सीबीगंज नरौसी से आए। थाना कौन सा लगता है? हमारा थाना सीबीगंज लगता है, चौकी जो है परसाखेड़ा लगता है। किस वजह से आए? सर, हमारी बेटी के लिए कई बार कुछ लफंगे टाइप के लड़के हैं, वो स्कूल कॉल वहाँ कोचिंग जाते हुए छेड़छाड़ करते हैं, कोचिंग जाते हुए छेड़छाड़ करते हैं। और मैंने इसकी कंप्लेंट 3-4 बार दे चुकी हूँ और पिछली बार उसमें था, अभी मैंने उसकी कंप्लेंट चौक उसमें थाने में की थी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सर, डेट दिखाना जरा। हाँ, 4-5 दिन से ज़्यादा की बात है, दीपावली। हाँ, और मेरे हस्बैंड का 57 में चालान कर दिया। हमारी फैमिली में सिर्फ 4 लोग हैं, 3 महिलाएं हैं, जिसमें मैं हूँ, मेरी 2 बेटी हैं और मेरे हस्बैंड हैं। हम लोग अध्यापक हैं, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। और जो है, जब बताओ हमें न्याय नहीं मिलेगा तो किसको न्याय मिलेगा? हम जिन बच्चियों से, अपने स्कूल की बच्चियों से ही कहते हैं कि बेटा गड कि बैड टच क्या होता है, गुड टच क्या होता है, ये सारी शिक्षाएं देती हैं। अगर तुम्हारे साथ में कोई गलत करता है तो आप जो है इसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं। और हमारे साथ ही बदतमीजी हो रही है, थाने वाले कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं सर। और पूरा मतलब उनकी फैमिली के लोग हमारे ऊपर अटैक कर दिए। रात का समय था, इतना मारा पीटा मेरी बेटी के, तो इतना जबड़ा पे इतने चांटे मारे उन लोगों ने कि पूरा सूज गया ये मेरी बेटी का। मेरी बेटी का नाम है अभी नीलोत्पल, सचिन आकाश और विकास और विपिन दिनेश, 5-6 लोग हैं सर, गैंग है। वो भी नरौसी के रहने वाले हैं, आसपास के ही हैं सर। इससे पहले इनकी कंप्लेंट की जा चुकी है और उस खुंडक में और जो लोग वो करते रहते हैं, और कोई कार्रवाई नहीं की इन्होंने इस वजह से। और इन लोगों कोई कार्रवाई नहीं, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, उन्हें छुट्टा छोड़ रखा है, आजाद कर रखा है। आप ऐसे मिले? बिल्कुल, हम पिछली बार भी एप्लीकेशन दे चुके हैं और जो है वहाँ के जो है ऐसो जो हैं उन्होंने उस पर कोई कार्रवाई नहीं करके और पता नहीं कौन सी कार्रवाई कर दी। अभी हमने एप्लीकेशन सही से देखी भी नहीं है, कोई सुनवाई नहीं हुई अभी हमारी। उसका निस्तारण अपने आप ही कर दिया, ना हमें बुलाया गया, ना हमारी बात सुनी गई, ना हमारी बेटी की कोई बात सुनी गई। अब क्या हम क्या चाहते हैं? हम उन लोगों को अरेस्ट कराना चाहते हैं और उनको अरेस्ट करके उनको सजा दीजिए। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।